व्हाट्सअप गाइस, फाइनली हम रिएक्ट करने वाले हैं एमवी बंटा का जो नया गाना आया है किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KOTS, हैशटैग ये भी काफी चल रहा है। और ये इंट्रो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, अब मुझे ये नहीं आइडिया कि ये एक पूरी एल्बम होने वाली है क्या है, क्योंकि इंट्रो लिखा तो मेरे साथ एल्बम ही होगी, तो देखते हैं। काफी लोगों ने इसके अंदर स्पिरिट करना, तो ये घर गई हुई थी अभी, तो अभी आई है। मैंने कहा साथ में सुनते हैं, एमवी बंटा के गाने सुनने में एक अलग ही वाइब रहती है, मुझे हाँ, पर्सनली बहुत मजा आता है। तो सुनते किंग ऑफ द स्ट्रीट्स और चल एंड बने, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिलीज हैप्पी बर्थडे। मैं बीमार थी तब। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, लाइक 1 2 3 लेट्स गो। मालूम है ना हिट। ये बचपन से अपनी जर्नी दिखा रहे हैं, पेंटॉप हिल जहां से वो है एमवी बंटा है। फड़ेला चप्पल बार बार सिल के पहनते थे, ताकत ने टांगों में तो भी बेटा हम रेंगते थे, नहीं देते एक्सक्यूज खुद को करा मैं रेस्क्यू, फ्रॉम लाइफ आई वाज लिविंग टू लाइफ आई वाज गिवन। यो तू यहाँ पे आया नहीं, मालिक ने तुझे छूना है, खोल अपने पंख बेटा आसमानों को छूना है, सब कुछ जान के भी इंसान करता गुना है, बातें रिलेटेबल लगेगा कि किधर सुना है। मैं ना छापू ना ढापू किसी से फ्लो ब्रो, खुशी के दिन फास्ट फॉरवर्ड गम वाले लगते स्लोमो, गलत कांडों में फंसे रह कहता शैतान, लेकिन मैं कहता उसे आई विल लिसन टू यू नो मोर। खुद को उठा तो वहां से जहां से लगेगा तुझे की फसेला तू, मुझे है पता मैं जीऊंगा कैसी लाइफ, भूलूंगा हंसेगा तू कैसे काटू, दिन जो परेशानियों से घेरेला, देखा नहीं होगा तू उससे ज्यादा चीये से रेला, भटकानी भटकानी जिंदगी लग रहा था भूल भुलैया, शाना बनाया इलाके ने बदला मेरा रवैया, लोगों के तरफ बना मैं बर्फ दिल का, छिटने लगा जब भी दौड़ा फिलन लगा, मिलखा मैं फिल का असर पड़ेगा आसपास के लोग जैसे होंगे, लोग करते जज इसके घर वाले कैसे होंगे, महंगे सपने देखा कर तभी जेब में पैसे होंगे, कौन क्या सोचे मेरे इससे बेटा हम वैसे लोग हैं। चले एल्बम कमिंग, तो ये हुई बात, मेरे को लग ही रहा था कि एल्बम आएगी। मुझे और ये टाइटल बहुत अच्छा लगा, किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, जहाँ से वो आया है, जहाँ से वो बिलोंग करता है। और एक एक चीज बताई ना बचपन से कि मतलब कि अगर वहां ना कि चप्पल एक ही चप्पल कितनी बार सील सील के पहनते थे लेकिन पीछे नहीं हटे, और इस चीज को रिलेट करो ना, कहाँ वो चप्पल सील सील के पहनते थे और कहाँ वो गाड़ी को डियोर के उसके स्कार्फ से वाइस पोछा बना दिया पिछले वीडियो में। ये होती है एक, मैं पहले बात करूंगा बिग सैल्यूट टू इज हसल एंड इज हार्ड वर्क, मतलब जो सफर तय किया है ना बहुत कम लोग कर पाते हैं आधे रास्ते में, नो डाउट बहुत लोग कोशिश करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, कई लोग अंदर से टूट जाते हैं रास्ते की जर्नी में, लेकिन जो नहीं टूटते और जो सहते सहते आगे बढ़ जाते हैं वो ऐसे ही नाम करते हैं मेंटा ने किया। एंड सीरियसली आज अगर हम देखते हैं ना, अगर 4 या 5 साल पीछे की जर्नी, तो इन 5 सालों में एक होता है ना ग्राफ स्लो स्लो बढ़ता है, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में एकदम से ग्राफ इतनी ऊंचाइयों पर गया है ना, और वो चीज बैक टू बैक गाने लाके, और बैक टू बैक ऐसे ही नहीं कि टाइम पास वाले गाने की जस्ट फॉर द सेक की हाँ व्यूज लाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए, गाने लगने वाला गाना था उसका, चाहे वो कमर्शियल ट्रैक हो चाहे वो रैप हो चाहे वो डिस हो, गाने में जो वाइब रहती है ना एमवी बंटा की वो अलग ही जोन में होती है, और प्लस जो एनर्जी पैक एनर्जी तो एनर्जी पैक सच में। और वो बता रहा कि क्या बोलते हैं, हर एक चीज देखी है हर एक चीज, लेकिन अब स्ट्रगल अगर करा वो, और जैसे मिल्खा की तरह अपने आप को मोटिवेट हर एक चीज करी है लाइफ में, लेकिन अगर हम बात करें बंदा भी होता है आया तो आप हालात को कोस लो या फिर जिद्दोजहान से शिद्दत से पागलपन कहता है जुनून और पागलपन। और मैं वही मैं कहता हूँ, मैं पर्सनली एमवे गाने इसलिए एंजॉय करता हूँ, जुनून दिखता है जब वो गाता है ना, पैशन दिखता है गले से पूरा एकदम, देखो मैं जब एकदम वैसे कर रही पूरी एनर्जी झोंक देना, वो चीज लगता है कि बंदा एकदम कहते हैं ना दम लगा के गा रहा है एकदम से। और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे, जैसे ये स्टाइल जो है ना गाने का एमवी का, और ये अच्छा। और मैं तो कहूंगा कि ये गाना हर एक उस बंदे को भी अपने लिए डेडिकेट करना चाहिए, खुद के लिए, जो आज हसल कर रहा है स्ट्रगल कर रहा है, ये मत देखो कि आप किस हालात में पैदा हुए कहाँ पैदा हुए या फिर आपकी कंडीशंस क्या है आसपास की, आपको ये कि आप अपना एक मोटिव बना लो हर एक चीज, और आप निकलो मेहनत करो, नाम करोगे आप आज एमवी बंटा उस मुकाम पे, एंड आई एम श्योर गाना अच्छा लगा होगा, आप अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से मोटिवेशन ले सकते हो उस गाने से, ये मैं कहूँगा। एंड वंस अगेन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू एमवी बंटा है, एंड और वीडियो आप शेयर कर सकते हो जिन पे मैं रिएक्ट करना चाहिए, लाइक करना मत भूलना चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।